बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। दबंगों की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसका शिकार अक्सर महिलाएं हो जाती हैं। आए दिन शहर में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता के मामले सामने आते हैं। हाल ही में नौचंदी थाने का एक मामला सामने आया है, जहां एक लड़की के घर में घुसकर दबंगों ने छेड़छाड़ और मारपीट की, साथ ही बलात्कार का भी प्रयास किया। पीड़िता की मां बीच बचाव करने के लिए आई तो उसकी भी दबंगों ने बुरी तरह से पिटाई की। इसी दौरान लड़की के पिता घर पहुंचे तो उन पर भी हमला बोला गया। उसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि दोनों आरोपी शैलेंद्र और जॉनी भाई हैं और राजनीतिक दलों के सपोर्ट पर ही गुंडागर्दी करते हैं। पुलिस भी इनकी मदद करती है, जिसके चलते FIR और मेडिकल की कॉपी अभी तक पीड़ित परिवार को नहीं मिल सकी है। ऐसे में पीड़ित परिवार न्याय की गुहार किसके सामने लगाए? पीड़ित परिवार को आरोपी धमकी देते हैं और अपने संबंध सपा नेता अतुल प्रधान से बताते हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है पीड़िता का। मेरे साथ घर में घुस के बदतमीजी करी गई है, अटेम्प्ट टू रेप किया गया है, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे साथ बदतमीजी करी बहुत ज्यादा, मुझे मारा, मार्केट में घसीट घसीट के लाए, मार्केट वालों ने भी नहीं बचाया, मेरी मम्मी बचाने आई तो उन पे भी वार करके वो फरार हो गए। कौन लोग थे, क्या क्या नाम है? वो मोहल्ले के ही हैं, उनका नाम, एक का नाम शैलेंद्र है और उसके भाई का नाम जोनी है, दोनों साथ में आए थे मोटरसाइकिल। क्या कहते हैं वो आपको? वो बाहर पापा के साथ कहासुनी हो गई थी, तो बाहर तो पापा पे हमला करके बस पापा पे भी लड़ाई करी, उसके बाद कोई था नहीं घर में, उसके बाद घर आ गए और मेरे साथ बदतमीजी करी और मम्मी के साथ भी। आप पढ़ती हो? हाँ मैं पढ़ती हूँ। क्या कर रही हो आप? बीटेक कंप्लीट है, BTC कंप्लीट है, CTET डिबेट सब क्लियर है, 69 भर्ती कोर्ट में फंसी हुई है, उसमें मेरा क्लियर है, अभी फिर मैं UPSI की तैयारी में लगी हुई हूँ। हाँ मेरा कोचिंग जाना बंद हो गया, मैं बोर्ड, वो उन्होंने धमकी दी हुई है कि अगर ज़्यादा ऊपर गई कंप्लेंट लेके तो फिर देख लियो आगे क्या होगा। पुलिस को किसका सब नानी का था? कॉलेज भी जाना छोड़ दिया? हाँ मेरा सब बंद हो चुका है इसी चक्कर में, उसे सपोर्ट मिली हुई है, राजनीति पॉलिटिकल में रहता हो, अतुल प्रधान की सपोर्ट मिली हुई है उसे। किसकी धमकी देता है वो? धमकी किसकी देता है वो? नेताओं की धमकी देता है, कहता मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या नाम है नेता का? अतुल प्रधान की सपोर्ट में हो, और भी बहुत सारे हैं, 3-4 जने। उधर इस बारे में पक्ष जानने के लिए जब सपा नेता अतुल प्रधान से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि राजनीतिक विद्वेष के चलते उनका नाम इस प्रकरण में लिया जा रहा है, वो आरोपी अथवा उक्त युवती को जानते तक नहीं है, उनका इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए FirstBite.TV।